क्योंकि हमारी जैसे कि आप काफी टाइम से लोगों का एक सवाल था भी आप कौन सी पार्टी में जाएंगे कौन सी पार्टी, और मेरा यही एक जवाब होता था कि जनता की विचारधारा पे ही जो पार्टी हमारे साथ काम करेगी तो उसी के ऊपर हम जाएंगे। तो आज इन लोगों के साथ हमारी रात काफी देर तक मीटिंग चली और जो जनता के जो जन जुड़ाव की समस्या थी उसी के ऊपर ये काम कर रहे थे काफी टाइम से। तो हमने उसी विचार जो जनता की विचारधारा के ऊपर काम करने के लिए हमने सोचा, क्योंकि ऑफर काफी पार्टियों से थी तो हमने इनका दामन थाम के जब भाई चंद्रशेखर जी के आजाद के नेतृत्व में अब हम हरियाणा में और अम्बाला में काम करेंगे। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आप उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जी पक्का हो चुका है कि अब आप वो जो पार्टी अध्यक्ष करेगी वो पार्टी का प्रोटोकॉल है, जो हमारे जिला अध्यक्ष और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, जो हमारी जहाँ भी ड्यूटी लगाई जाएगी हम उसके तहत। देखो जो अम्बाला की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी यहाँ पर, अम्बाला की समस्या जो हर मध्यम वर्ग की समस्या है वो है भी एजुकेशन की जो समस्या है, जो हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जा रही है उसकी समस्या थी, जो एक सरकार द्वारा एक चिराग योजना देके बच्चों को स्कूलों को बंद करवाया गया सरकारी स्कूलों में। फिर एक हमारी जो हेल्थ सेक्टर की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके ऊपर अम्बाला के लिए काम करना, और जो पानी निकासी जो सबसे अम्बाला का मुद्दा है और निगम का जो एक मुद्दा, जो निगम में काम होगी NDC का काम नहीं होते तो लोगों के वो काम जो है वो सबसे पहले हमारे अम्बाला के जो मुद्दे रहेंगे। हमारे जो एक पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो होगा, जो 36 बिरादरी का एक मैनिफेस्टो जिसमें किसान कमेरा और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो वंचित युवा और वंचित जो समाज के लोग हैं उसके लिए जो पार्टी काम करेगी, उसके अलावा एक हमारा अम्बाला के लिए संकल्प होगा वो उसके ऊपर हम जो काम करेंगे वो 5-7 दिनों में हम वो संकल्प एक निकाल देंगे। और हमारी पार्टी आजाद चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है वही विचारधारा वही सोच हमारे नागपाल जी की है, बच्चों को एजुकेशन देना, गरीब पीड़ित परिवारों की जो आवाज़ को सुनना और जो बढ़ती हुई बेरोजगारी के ऊपर सोचना और जो बढ़ते हुए जुर्म के बारे सोचना और शहरी विकास के बारे सोचना, ये हमारे को परु नागपाल जी के बीच में दिखाई दिया कि वह इसके विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं और इसीलिए वह हमारी पार्टी के साथ ज्वाइन, क्योंकि हमारी पार्टी भी उसी के साथ काम कर रही है। अगर पार्टी जो है वो चुनावों में बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो हमारी पार्टी तय करेगी उसके आधार पर होगा।